मोलकी में वीरेंद्र सिंह का किरदार निभाने वाले अमर उपाध्याय का जो सफर है टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ वो काफी पुराना है। वो बता रहे हैं किस तरीके से 16-17 साल से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आगे आने वाले सालों में वो अपने लिए एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव देखते हैं। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। अमर उपाध्याय को अभी वीरेंद्र सिंह के कैरेक्टर में आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये कैरेक्टर हालांकि थोड़ा रफ रूड और थोड़ा जो ठेठ टाइप का है वैसा है, लेकिन फिर भी स्टोरी लाइन तो रोमांटिक ही है, जहां पर पूर्वी के साथ उनका आजकल एक रोमांटिक एंगल जो है वीव किया जा रहा है मेकर्स के द्वारा, और वही आपको देखने को मिल रहा है। जिसके बाद मोलकी के अमर उपाध्याय बताते हैं किस तरीके से वो रोमांटिक तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत जो है कॉमेडी से की है, और एक बार फिर से कॉमेडी को ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल रियली एक्साइट हिम। बता रहे हैं किस तरीके से ओवर द इयर्स उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। नेगेटिव किरदार भी प्ले किया है, तो पॉजिटिव भी प्ले किया है, रोमांटिक भी प्ले किया है, तो हर तरह का किरदार प्ले किया है। लेकिन समथिंग दैट ही हैज लेफ्ट ऑन इज क्राइम थ्रिलर, और उसी तरीके का कुछ किरदार वो आगे प्ले करना चाहेंगे, चाहे कॉमेडी हो या क्राइम थ्रिलर थ्रिलर हो। अब वो आगे रोमांटिक कुछ भी नहीं करना चाहते, बिकॉज यही थिंग्स कि रोमांटिकली उन्होंने अपने सारे जो पोटेंशियल्स हैं एक्टर की तरह वो एक्सप्लोर कर लिए हैं, और अब एक्टिंग की एक्सप्लोरेशन उन्हें करनी है तो उन्हें कुछ और ही स्पेस को टच करना पड़ेगा। और क्राइम थ्रिलर के लिए वो डिजिटल स्पेस को बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो अगर कोई क्राइम थ्रिलर वेब शो उनको मिलता है तो ये वो डेफिनेटली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वही अमर उपाध्याय की इस इच्छा को सुनकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।